युवराज आनंद आ गए हैं छत पे और ये छत की सफाई करने वाले हैं। तो बच्चा आज हम लोग क्या करने वाले हैं? छत की सफाई करने वाले हैं। हाँ तो थोड़ा सा युवराज खेलने वाले हैं, तो थोड़ा सा खेल लीजिए युवराज साथ। जब बैट से सफाई करेंगे छत पे। ओ आम का वृक्ष है जिसे मैं मतलब बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो आज युवराज अपने छत पे सफाई कार्य करने वाले हैं। और तो युवराज आप क्या करेंगे, पहले आप एक डंडे ले लीजिए, डंडा ले लीजिए। देखिए कहाँ डंडा है, ये डंडा रहा, नो वो रहा, लाइए वो डंडा है लेके आइए। हाँ वो डंडा है, वो ओ हाँ एक यहाँ पे छोटा सा डंडा पड़ा हुआ है। अब युवराज डंडा लेंगे। हाँ अब जाइए उधर के पत्ते साफ करिए, यहाँ का नहीं, उठिए ये उठिए, हाँ जाइए वहाँ का पत्ते साफ करिए। हाँ चलिए, तो युवराज आज जा रहे हैं पत्ते साफ करने, यहीं से स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। अभी तो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब पत्ते साफ करेंगे आज। हाँ तो हाँ फेंक दीजिए और ले लीजिए, उसको हाथ में पकड़िए अच्छे से। हाँ तो आपको सफाई करनी है ना बेटा, तो आप कहाँ सफाई स्टार्ट करने वाले हैं? हेलो गाइस, इतना छोटा बच्चा है, ये सफाई करने में एकदम माहिर है। तो यूवी यू तुम सफाई करोगे छत? नहीं बता रहा है बच्चा, आ जाओ इधर आ जाओ, उधर का थोड़े सफाई करना है, आओ इधर आओ, आओ बताएं किधर का सफाई करना है। हाँ चलिए इधर का सफाई करिए, हाँ इधर का सफाई करिए, आइए ये पत्ते जो पत्ते दिख रहे हैं ना, ये पत्ते इसको सफाई कर दीजिए, उसको नहीं, उसको तोड़ना नहीं है। हाँ तो गर्मियों के दिनों में ना इसमें बहुत सारे आम आए थे, तो यू खूब तोड़ तोड़ के खाए हैं। हाथ से नहीं बेटा, डंडे से करो। हाँ डंडे से करो, हाँ साफ करो डंडे से, फेंको। हाँ 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 डंडे साफ करो, हाँ नीचे सब गिराओ, हाँ अच्छे से साफ करो अच्छे से, इधर का ये सब हाँ 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 साफ करो। गुड बॉय। तो युवराज सब सफाई कर रहे हैं, देखिए इधर है पत्ते, ये हैं, इसको भी करिए। हाँ अच्छे से कर दीजिए, हाँ और करिए, हाँ सफाई करिए। और ये भी कर दीजिए, ये करिए। हाँ अब हो गया, चलिए आइए ठीक है, अब उसको रहने दीजिए, अब खेल मत करिए उसमें। अब हो गया अच्छा ये भी कर दीजिए। हाँ अभी तो नहीं हुआ है युवराज की नज़र में, तो युवराज फिर से करने वाले हैं। हाँ तो अब रुक जाइए युवराज, आप रुक जाइए।